What is going on guys? कैसे हैं आप सभी लोग? Welcome back to another video. And आप लोग देख सकते हो अभी मैं basically guys एक गाड़ी लेकर ये निकल रहे अपन लोग Mr. Chop के पास, क्योंकि guys हम लोग आ चुके हैं वॉबली लाइफ में. तो guys आज की इस वीडियो में ना हम लोग करने जा रहे हैं कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज. अब आप लोग सोच रहे हो ऐसा क्या एडवेंचर करने वाले हो फ्रॉस्टी भाई? Well, मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, क्योंकि हम लोग आज करेंगे सबसे बड़ी रॉबरी. जी हाँ, वॉबली लाइफ के अंदर के बिगेस्ट रॉबर्स बनने वाले हैं बेसिकली हम लोग. और चॉप, तू टैक्सी में क्यों चल रहा है? भाई मेरे को पहले ये बताओ करेगे क्या भाई? अरे अपन लोग दो तीन जगहों पे यार लूटपाट करने वाले हैं, समझ गया? और जितना सामान एक्वायर करेंगे ना उन सबको जाके बेच देंगे दोस्तों. तो चलो सबसे पहले तो हम लोगों को रॉबरी के लिए भाई कपड़े पहनने पड़ेंगे, नहीं तो यार अपनी शक्ल पहचान में आ जाएगी भाई लोगों की. तो सर जल्दी से चलते हैं यार आज सिटी की तरफ. और आज का मौसम भी भाई लगता है हमारे साथ है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सनी डे आ चुका है गाइस इस सिटी में. और मेरे को ना यार यही मौसम ज्यादा पसंद है. इनफैक्ट मैं गेम वालों से गुजारिश करूंगा कि भैया प्लीज यार इसी मौसम को रखा करो भाई, इतना बदलते क्यों हो? मेरे को और मौसम्स बिल्कुल पसंद नहीं है. ओके, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपनी शॉप पर. तो गाइस मैं तो आ चुका हूं, लेकिन आई डोंट नो ये नूबड़ा चॉप कहां पर है. ओके फाइनली, अरे 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 भाई भाई स्ट्रीट पोल उड़ाते हुए आ रहा है. थोड़ा आराम से, अरे मेरे को ही उड़ा दोगे क्या ब्रो? भाई कैसी लगी मेरी टैक्सी? अबे ठीक है तेरी टैक्सी भाई, तोड़ दी तूने, बोलता है कैसी लगी मेरी टैक्सी. ऑलराइट, तो गाइस यहां पे चलते हैं फटाफट से कपड़े खरीदने. तो ये रहा हमारा छोड़ो का मास्क, तो मास्क यहाँ पर खरीद लिया मैंने और चॉप ने भी खरीद लिया. नाइस, तो गाइस अब हम लोग पहनते हैं अपना शर्ट. तो शर्ट के लिए यहाँ पर $50 स्पेंड करने के बाद वी हैव एक्वायर्ड रॉबर शर्ट. और अब चाहिए हम लोगों को यहाँ पर रॉबर पैंट्स. ये हुई ना बात, अब लग रहे अपन लोग भाई फुल टू चोर. ओए चॉप तू क्या कर रहा है? फॉक्ट भाई मेरे को पैंट्स नहीं मिल रहे तो मैंने ये पहन लिया ब्रो. अबे ये भाई लड़कियों की स्कर्ट, ये क्या कर रहा है भाई तू? जाके ढंग के कपड़े पहन के आओ भाई, इज्जत नहीं है भाई रॉबर्स की, बताओ ऐसे ही जा रहा है ये? अबे चल जल्दी पैंट पहन के आ तेरी ऐसी की तैसी. फॉक्ट भाई अरे यार बहुत महंगे पैंट्स है, यही पहन के यही जा सकता हूँ क्या? कोई पहचानेगा थोड़ी ब्रो. अरे पूरा भाई पर्दा फास करवा देगा तू, जल्दी से जो बोल रहा है वो कर भाई. ड्रेस कोड नाम की कोई चीज होती है, स्कूल बच्चे यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ना, वैसे ही अपन लोग भी आज यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे दोस्त. चलो चलो सबसे पहले तो यार इस गाड़ी को डिच मारते, क्योंकि यार एक बार में एक ही. अबे तू कहाँ जा रहा है? फॉक्ट भाई मैं बस से आऊंगा ब्रो. अरे भैया इस बंदे के अलग यार ख्वाब है. चलो एक काम करते हैं गाइस, हम लोग यहाँ पर से अपनी गाड़ी उठा लेते हैं. तो आप लोगों को तो पता ही है हम लोगों ने यार यहाँ पर अपनी गाड़ी स्टैश करके रखी है. बेसिकली ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन ये है हमारी ट्रक. अरे मार क्यों रहा है नूबड़े? भाई कैसे गाड़ी चलाता है? इसी ट्रक में तो चोरी का माल भरना है अपने को. भाई ऐसा है क्या? तो पहले बताते ब्रो, मेरी गाड़ी पे ब्रेक ही नहीं लगा भाई. अरे कोई ना दोस्त, एक काम कर तू भी आ जा, जल्दी जल्दी आ जा ब्रो, अपने पास टाइम नहीं है भाई वेस्ट करने के लिए, ऑलरेडी रात होने वाली है. एंड गाइस इससे पहले कि रात हो वी नीड टू गेट टू द चोरी. ठीक है, हम लोगों को जल्दी जल्दी चोरी करना पड़ेगा ब्रोज. और गाइस आप लोगों को बता दूं मैं, जो पुलिस वाले हैं ना वो यहाँ पर ऑफ ड्यूटी जाते हैं लगभग 5 बजे. और चॉप एक और ट्रक मिल गई, चल चल जल्दी बैठ इसके अंदर. तू एक काम कर, तू इस ट्रक में बैठ और मेरे को फॉलो कर. तो गाइस मैं ये बोल रहा था कि जो पुलिस वाले हैं वो 5 बजे ऑफ ड्यूटी चले जाएंगे, तो उस समय तक हम लोगों को जल्दी से जाके 2-3 रॉबरीज कर लेनी है और पूरे रात में सारा माल ठिकाना लगा करके पैसे कमा लेने हैं दोस्तों. तो उस दौरान हम लोगों को कोई नहीं रोकने वाला है एंड वॉबली वर्ल्ड पे अपना कब्जा होगा. भाई क्या चोर है अपन लोग, भाई स्टंट मारते हुए जा रहे हैं भैंस की टैट. ऑलराइट लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो. तो पहला हमारा स्टॉप होने वाला है मॉल. तो गाइस ये रहा मॉल, अब फटाफट से यहाँ पर गाड़ी पार्क करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपनी रॉबरी. तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे पुल इन करना पड़ेगा. अरे भैया यार ये बंदा खड़ा है, इसमें कैसे दो गाड़ियां तो नहीं लगा पाएंगे गाइस? मेरे को लगता है मैक्सिमम में एक गाड़ी फिट कर सकता हूँ और उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा. ऑलराइट गाइस दोनों ही ट्रक्स हम लोगों ने फिट कर दी है और इस बंदे का टेंशन मत लो, इसको मैंने पैसे खिला दिए. तो ये अपना मुंह बंद रखने वाला है थोड़ी देर तक. अब टाइम है जल्दी से रॉबरी शुरू करने का, मैं वॉबली बोल रहा हूँ. ओके तो सबसे पहले तो यार इसके कंटेनर को उठा ले, इसके आई मीन ये कार्डबोर्ड बॉक्स, इसके अंदर कुछ सामान दिख रहा है मेरे को, आई थिंक कुछ खाने का सामान है गाइस. तो चलो फटाफट से इसको उठा लेते हैं, वैसे भी चोरों को भूख लगती रहती है. वैसे गाइस मेरे को लगता नहीं है ज्यादा चीजें हम लोग इस मॉल से चुरा पाएंगे, एक काम करता हूँ ये सीढ़ी ही ले लेता हूँ. फॉक्ट भाई अरे ये क्या चुरा रहे हो भाई, ये किसी काम का चीज नहीं है ब्रो. अरे लेकिन भाई जिस पे हाथ लगे चोरों को वही चुरा लेना चाहिए दोस्त. फॉक्ट भाई लेकिन सोच लो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, ये तो गाड़ी के अंदर अटेगी भी नहीं ब्रो. हाँ बोल तो सही रहा है तू, एक काम करते थोड़ी छोटी चीजें ट्राई करते चुराने की, है ना? चलो भाई देखते हैं और क्या मिलेगा इधर. हेलो सर, कुछ अच्छा है क्या आपके पास? भाई इनके पास तो कुछ भी अच्छा नहीं है, ये क्या करूँ शॉपिंग कार्ट चुरा ले क्या गाइज? लेकिन रुको शॉपिंग कार्ट में कुछ डालना भी तो चाहिए मेरे को. भाई ये कैसे फल ये निकलते ही नहीं है, देखो शेल्फ से कोई सामान ही नहीं बाहर आता है गाइज. बताओ मैंने बोला था ना मॉल में ज्यादा चीजें नहीं मिलने वाली है चुराने के लिए, और जो ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स होने वाले हैं ना गाइज वो यहाँ पर वॉबली लाइफ के सिटीजन के घर पे मिलने वाले हैं. एंड एक घर है जिसको मैं जानता हूँ जहाँ पे भाई बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजें हैं, और जहाँ पर जाके अपन लोग रॉबरी कर सकते हैं दोस्तों. भाई ऐसा कौन सा घर है ब्रो? अरे एक घर है दोस्त, वहाँ ले चलेंगे अपन लोग, लेकिन वो सरप्राइज
अभी के लिए, लेकिन अभी के लिए मेरे को यार कुछ करना पड़ेगा दोस्तों। ज्यादा हम लोगों के पास सामान आया नहीं है, तो चलो थोड़ा और यहाँ पर रॉबरी करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। ऑलराइट तो गाइस, जितनी चीजें मैं चुरा सकता था मैंने चुरा ली। बेसिकली हम लोगों ने यार 2-3 किड्स टॉयज जो होते हैं ना वो चुरा लिए यहाँ पे, जो $5 से $10 में बिकेंगे। कैसे फालतू चोर है यार अपन लोग। चौप तो भाई बोल रहा था आपको, इससे अच्छा पढ़ाई लिखाई कर ले तो जॉब तो मिल जाती ब्रो। अरे कोई ना, अपन लोग ऐसे हार नहीं मान सकते दोस्त। मैं जानता हूँ हर बिजनेस में यार फेलियर जो है वो इनएविटेबल होता है गाइज, लेकिन हमारे बिजनेस को स्टार्ट होने के पहले ही फेल कर दिया इन लोगों ने। चलो कोई ना, एक काम करते हैं, चलते हैं अपने उस घर की तरफ जिधर मेरे को जाना है। बट वो घर है कहाँ पर? लेट्स सी गाइज, ये थोड़ा सा ना जो पूरा का पूरा एरिया है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और उस घर को आप लोग देखते के साथ पहचान जाओगे, क्योंकि वो घर नन अदर देन अपनी दादी का घर होने वाला है गाइज। जी हाँ, वही दादी जिसने हम लोगों को स्टार्टिंग में किक आउट कर दिया था, हमारी मिस्टर ग्रैंडमा, आई मीन मिसेस ग्रैंडमा एक्चुअली। तो चलो फटाफट से उनके घर पे चलते हैं। मेरे को तो यार लोकेशन भी नहीं याद है भाई, इतने दिन हो गए ना गाइज मेरे को इस गेम को खेले हुए, लाइक लिजिट मैं हाफ ऑफ द हाउसेस की लोकेशन भी भूल चुका हूँ। ओके लेट्स जस्ट होप इधर मिल जाए। राइट में ओ ये घर खुला हुआ लग रहा है, लेट्स चेक गाइज, अगर ये खुला होगा ना इसके अंदर सामान ले लेंगे। अरे नहीं ये बंद है, शिट यार इसको खरीदना पड़ेगा, और खरीदने का क्या ही फायदा फिर। ऑलराइट मिल गया मेरे को वो घर गाइज, तो ये रहा हमारी ग्रैनी का घर। तो भाई ग्रैनी के पास चलते हैं और फटाफट से सारा सामान ले लेते हैं, और वैसे भी ग्रैनी है तो उतना कुछ बोलेगी नहीं। सबसे पहले तो ये टीवी ले लेते हैं गाइज। भाई ग्रैनी से तो आप बदला निकाल रहे हो ब्रो। अरे भाई लात मार दिया भाई उसने हमें, बताओ यार घर से मतलब मेरे मॉम डैड ने इसका मतलब क्या ऐसे ट्रीट करेगी भाई। चलो कोई ना गाइज, हम लोग भी यहाँ पर दिखा देंगे कि वी कैन बिकम प्रॉपर रॉबर्स। आ जाओ, पहला टीवी ठिकाने लगा दिया है, थैंक यू सो मच ग्रैनी, जिंदगी भर याद रखेंगे आपका ये तोहफा। अरे तू सोफा ही उठा के ले जा रहा है, हद आदमी है भाई। भाई सोचा जो भी हाथ लगे सब उठा लेता हूँ ब्रो, पकड़ो इसको उधर से। अरे ग्रैनी आ गई, अबे क्या बोल रही है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। भाई ग्रैनी अपन लोग को देख के भाई हम पे गर्व महसूस कर रही है ब्रो, कि अपन लोग इतने बड़े चोर बन गए, आज उन्हीं के घर में चोरी करने आ गए ब्रो। अरे क्या दिन आ गया है भाई, खैर हटाओ, अगर उनको अच्छा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी गाइस डोंट वरी, ग्रैनी के जो पैसे इन चीजों के है ना वो रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि हर बंदी के पास वॉबली लाइफ में इंश्योरेंस होता है, यानी कि रॉबरी इंश्योरेंस, यानी कि अगर मान लो उनके घर में भाई चोरी वोरी हो गई तो सारे पैसे जो है वो कंपनी कवर कर देगी, इंश्योरेंस कंपनी। तो अपन लोग को लोचा नहीं लेना है भाई, हम लोग इसको एकदम नॉर्मल रॉबरी के जैसा ट्रीट करेंगे। देखो ग्रैनी का भी फायदा हो जाएगा, हमारा भी फायदा हो जाएगा, जैसे कि उनको फ्री में फर्नीचर मिल जाएगा, या पुराना वाला फर्नीचर अपन लोग बेच के अमीर बन जाएंगे। वही चॉप यार, इतना बड़ा सोफा है भाई, मेरे को लगता नहीं और कुछ हट पाएगा इसके अंदर ब्रो। भाई कुछ ना कुछ तो हटाना पड़ेगा, नहीं तो मैं नया ट्रक लेके आऊँ क्या? हाँ हाँ एक काम कर, तू जा जल्दी नया ट्रक लेकर के आ भाई, अपन लोग तब तक और सामान उठाते। वैसे ये टेबल मस्त लग रही है गाइज, चलो फटाफट से इस टेबल को भी उठा लेता हूँ मैं। बेसिकली आज हमारा गोल होने वाला है जो भी सामान उठा सके उसको जल्दी से उठाना है और इसके अंदर फिट करना है। चल टेबल तेरी ऐसी की तैसी, अरे भैया कमर टूट जाएगी मेरे बंदे की। और ये गया एक और सामान ट्रक के अंदर। वैसे गाइस सच बोलूं तो मेरे को लगता है और सामान इसके अंदर फिट हो सकता है, बट मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। चलो जल्दी चलते हैं। ओ भाई चेयर ही चेयर है, लेट्स गो, थैंक यू दादी अम्मा, बहुत मजा आएगा इन चीजों को बेच के। भाई जितने सारे फर्नीचर है ना ये सारे बेच देंगे। अबे ये देखो ये सिंगल सोफा भी ले जा रहा है, चल चॉप तेरी मदद मैं करता हूँ। भाई पूरा सोफा सेट बेच डाला भाई आराम से, भाई 25-30 हजार रुपए तो इसी के मिल जाएंगे ब्रो। अरे मैं अटक गया भाई, इन कुर्सियों के बीच में अटक सा गया हूँ मैं। ऑलराइट गाइस चलो इन सारी चीजों को अंदर भरते हैं और सामान को फटाफट से यहाँ से निकालते हैं। ऑलराइट गाइस मैं ऊपर चेक कर रहा हूँ कुछ है कि नहीं ले जाने के लिए, चलो नीचे चेक करते हैं। ओए चॉप तू ये क्या कर रहा है? भाई पूरा फ्रिज ही उठा के ले जाऊंगा भाई। अरे इतना बड़ा फ्रिज ले लिया भाई इस बंदे ने, वाह भाई वाह, वो भी अकेले। भाई पावर देख रहे हो इसकी। भाई अरे मैं ही अटक गया ब्रो। अरे रुकना तू उधर ही अटका रहा है, पूरा फ्रिज गिरा देगा नूबड़े, क्या कर रहा है यार इसको देखो भाई, प्लानिंग नहीं आती है भाई, क्या नूब चोर है भाई। रुक मैं फिट करता हूँ, रुक जा। ये देखिए ये डाल दिया ना, अब देखो सिंपल फंडा है, गाड़ी के अंदर बैठो निकल जाओ, देख रहे हो इसको कहते हैं टेलीपोर्टेशन। ओके इसको अंदर ठूसो, शटर लगा, चल चल जल्दी शटर बंद कर भाई, पुलिस आने वाली होगी भाई। रात के 12 बज रहे हैं दोस्तों, एकदम रात के अंधेरे में यहाँ पर दो चोर चोरी को अंजाम दे रहे हैं, और हम लोग जो पुरानी वाली ट्रक है ना जो मॉल से अपन लोग सामान चुरा के लाए थे उसको यहीं पर यार छोड़ देंगे। उसके अंदर भाई बड़ा सस्ता सामान है यार, बताओ $5-10 कमाने बैठे अपन लोग। ऑलराइट टू गाइस मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है। अब आप लोग सोच रहे भाई इस ट्रक को छुपाओगे कहाँ पर? वेल डोंट वरी गाइज, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा लोकेशन है ना जहाँ पर लिटरली जो वॉबली लाइफ की पुलिस है हम लोगों को जिंदगी में कहीं नहीं ढूंढ पाएगी, कभी नहीं ढूंढ पाएगी गाइज, कितनी भी कोशिश कर ले। भाई अरे मेरे लिए तो रुक जाओ ब्रो, इतनी तेजी पर ट्रक भगा रहे हो मेरे को जगह ही नहीं दिख रही है ब्रो। अरे आना भाई सीधा रास्ता तो है यहाँ पर, तू फालतू का यार टेंशन ले रहा है। तो बेसिकली गाइज यहाँ पर हम लोगों को ट्रेन ट्रैक से होते हुए अपनी ट्रक को ले जाना है, एंड उसके बाद आपको तो पता ही है यहाँ पर एक समुंदर आता है, और इस समुंदर को पार करने के लिए कुछ बोट्स लगी पड़ी है। तो मैं सोच रहा हूँ इन्हीं बोट्स के अंदर अपनी गाड़ी को अपन भरेंगे और यहाँ पर से लेकर के जाएंगे। ऑलराइट तो एज यू गाइस कैन सी पहली गाड़ी यहाँ पर हो चुकी है लोड, और एक्चुअली मेरे को
थोड़ा डाउट है भाई, दूसरी गाड़ी अट पाएगी इसके अंदर कि नहीं अट पाएगी? सॉफ्ट भाई मेरे को नहीं लगता अट पाएगी ब्रो। अरे डर के आगे जीत है दोस्त, अब मैं दोबारा बोर्ड घुमा के थोड़ी लाऊंगा। चलो इसको यहाँ पे ठूसो, काम हो गया। अरे मैं चिपक गया भैया, अरे बहुत जोर से चिपक गया, रुको यार एक सेकंड इस गाड़ी को। अरे फिर चिपक गया मैं भाई, थोड़ा आराम से चलाओ भाई, इतनी हड़बड़ी में क्यों हो ब्रो? और अब आई डोंट थिंक मेरे को दिक्कत होगी। यस ओके, तो गाइस दोनों बोट्स पे यार यहाँ पर गाड़ियां चढ़ चुकी है, आई मीन एक बोट पे दो गाड़ियां चढ़ चुकी है। अबे चॉप जल्दी आ जा, पाइप बोट निकल जाएगी, तू वही रह जाएगा। सॉफ्ट भाई लेकिन प्लान तो आपका बहुत मस्त है ब्रो, रात के 1 बज रहे और अपन लोग को भाई कोई नहीं देख पाएगा भाई। अरे यस लेट्स गो। अरे 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 क्या कर रहा है भाई, गाड़ी गिरा देगा समुंदर के अंदर। ओके अब मेरे को भाई उस तरफ मिलने दो, ठीक है उस तरफ पहुंचा रहे दो मेरे को, उसके बाद मिलता हूं आप लोगों से। ऑलराइट तो गाइस ये हो चुकी है हमारी बोट इस तरफ पार्क, एंड नाउ इट्स टाइम कि हम लोग दोनों गाड़ियों को फटाफट से अनलोड करें। तो देख रहे हो हाइस्ट बिल्कुल सही जा रही है दोस्तों, लेकिन अभी तक जो फंडा है वो सॉल्व नहीं हुआ है गाइस, मेरे को एक गुफा पता है, तो चलो फटाफट से उस गुफा में चलते हैं, इन गाड़ियों को वहां पर डंप कर देते हैं। ऑलराइट तो गाइस ये रही वो गुफा जिसके बारे में बात कर रहा था, काफी जंगलों से होते हुए आना पड़ा है अपने को, बट भाई इसके अंदर ना पुलिस, क्या पुलिस का भाई कोई भी डिपार्टमेंट नहीं ढूंढ पाएगा, एकदम इजी पीजी रहेगा यहाँ पर। सॉफ्ट भाई आपने तो आज एकदम सक्सेसफुल रॉबरी प्लान आउट कर दी भाई। अरे क्या बताओ दोस्त, तुम्हारे भाई का स्वैग ही कुछ ऐसा। अरे अरे सारा सामान बाहर गिर गया, खैर हटाओ गाइस, वैसे भी हम लोगों को यहीं पर पार्क करनी है तो फर्क नहीं पड़ता है। नाउ ओनली वन थिंग रिमेन्स एंड दैट इज कि हम लोगों को फटाफट से अब यहाँ से निकलना है। तो गाइस देख दो सारा सामान अब आराम से मेरे को लगता है 1-2 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। और देखो अभी भी रात के 3:30 बज रहे हैं, यानी गाइस एक भी बंदे को नहीं पता चला वॉबली लाइफ की दुनिया में, और हम लोगों ने इतना मस्त रॉबरी कर डाला है, तो आई विल से द मिशन वाज अ ग्रेट सक्सेस। ओके सो दैट इज इट, वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारो, 25,000 लाइक्स का एम रख रहे हैं। अगर आपको और वॉबली लाइफ देखना है तो फटाफट लाइक मारो, चैनल पे नो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड दैट इज टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फ्रॉस्टी।